गुमला जिला के ग्रामीण इलाज के लिए पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर आश्रित हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आदिवासी बहुल इलाकों में इन दिनों डॉक्टर की कमी की समस्या लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। गुमला जिला के विभिन्न प्रखंडों से लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में डॉक्टर की संख्या में कमी होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पहले भी कई बार यह मुद्दा उठ चुका है, लेकिन सरकार ने इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया। वहीं हाल ही में यहां के 16 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया, लेकिन उनके स्थान पर महज 4 ही डॉक्टरों की नियुक्ति की गई, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मन इतना कमियां है, यानी कि ढेर ज्यादा रहना है, मगर यानी कि ट्रांसफर हुई गला को 2-4 जन का थी डॉक्टर मन है तो कैसे इलाज हुई, यानी कि बहुत दिक्कत हुआ थे गरीब दुखी आदमी मन के। यहां पे गुमला सदर अस्पताल में विभिन्न जिलों से यहां इलाज के लिए आते हैं, और यहां पे कम से कम 16 डॉक्टर होना चाहिए, और ये 16 डॉक्टर का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, और 16 डॉक्टर में से आना ही चाहिए था, उसमें 4 ही डॉक्टर हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले लोगों का कहना है कि वे पैसों के अभाव में इलाज के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे में मजबूरी में उन्हें यहीं आना पड़ता है, लेकिन इलाज सही रूप से ना हो पाने के कारण उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गुमला सदर अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो पहले इलाज के लिए यहां काफी संख्या में लोग आते थे, लेकिन डॉक्टरों की कमी होने के कारण स्थानीय लोगों को सही रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण गांव में ही रहकर झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं डॉक्टरों की कमी के कारण कई बार तो लोगों की जान भी जा चुकी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अनुप्रिया देवी की माने तो गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में डॉक्टरों की कमी होना दुर्भाग्य का विषय है। सदर हॉस्पिटल मतलब ही है कि पूरे गुमला जिले को वो ठीक ठाक से देखता है, ये कहता है, लेकिन 4 डॉक्टर में बताइए क्या हो सकता है। अभी जो स्थिति है, जो लेडीज़ की का जो वार्ड है उसमें और प्रॉब्लम हो रहा है, प्रसव के समय इतनी दिक्कत हो रही है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, और ये सब तो इतना प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं सभी महिलाएं, और वहाँ जो जाती हैं और डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो बताइए वो लोग क्या करेंगे। उनके पास इतना सुविधा नहीं रहता है कि बाहर जाए, चाहे रांची जाए, चाहे कहीं और जाए, वो लोग तो इसी के भरोसे आती है सदर हॉस्पिटल, ताकि वो वहाँ पे इलाज करवा सके। जहाँ एक ओर झारखंड सरकार की तरफ से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतर इलाज करवाने की व्यवस्था कराने का वादा दिया जा रहा है, वहीं गुमला जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं इस मामले में जिला के पदाधिकारी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह राज्य सरकार का मामला है, ऐसे में वे इस मामले पर कुछ बोलने में असमर्थ है। तो गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में दो चीज लोग सरकार से चाहते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी लचर होती जा रही है कि 16 डॉक्टर जो थे वो भी कम डॉक्टर थे, लेकिन उन डॉक्टरों का जब ट्रांसफर किया गया उसके बाद वहाँ 4 डॉक्टर दिए गए हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि गुमला जिला की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे है। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारी से हमने जब बात किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरा मामला सरकार के स्तर का है, इसलिए वो इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते हैं। न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार।